मैं गुरु जी से 2015 से जुड़ी और एक्चुअली मेरे एक ही ब्रदर हैं और वो हमारे पेरेंट्स से हम दोनों को इंजीनियरिंग कराई, तो लाइक सभी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह मतलब मेरे ब्रदर फोर्थ ईयर में थे, बट आई थिंक उनका कुछ कर्मा ऐसे थे या उनकी भक्ति पिछले जन्म की रह गई थी या कुछ था ऐसा कनेक्शन गॉड से. तो उन्होंने लास्ट ईयर 2009 से इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था. सो हमें इस्कॉन का इतना आइडिया नहीं था कि मतलब आप डिवोटी बन जाते हो, आपको अपने अपने साथ 100% सरेंडर करना है. और सॉरी मैं थोड़ा शिवर कर रही हूँ. सो उन्होंने वो संस्था ज्वाइन कर ली और उस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में थी. सो मैं बहुत क्लोज थी अपने ब्रदर से और हमारी छोटी सी फैमिली है, सो हर एक चीज़ें शेयर करना पेरेंट्स से, और मतलब वो चीज़ खत्म सी हो गई. हमें लगा कि हमारी दुनिया मतलब खत्म हो चुकी है, अब हम कैसे अपनी जिंदगी बढ़ाएंगे, क्योंकि पापा ने लोन लिया था तो छोटी सी उनका बिजनेस है गुड़गांव में, तो हम कैसे अपनी लाइफ लीड करेंगे विदाउट माय ब्रदर. और वी हैव नो आइडिया, मतलब अप टू वन ईयर हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब वो जिंदा है क्या है बिल्कुल कट ऑफ था कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट नंबर, नथिंग. सो मैं शिव जी की पूजा मतलब बहुत ही रिलीजियस फैमिली से हूँ, मैं शिव जी की पूजा बचपन से करती हूँ. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिवलिंग के पास जाऊँ, वहाँ पर क्लीन करूँ सारा, मंडे के पास रखूँ, तो मम्मा ने जैसे गाइड किया हुए हमेशा वो चीज फॉलो करी. उसके बाद मैं 3 साल तक वैष्णो देवी गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, ये सोच के बिल्कुल नंगे पैर बिना कुछ खाए भी कि शायद कोई मतलब ग्रेस हम ऑलमाइटी पावर जो मेरे ब्रदर को मुझसे वापस आए, एटलीस्ट उनसे बात करना स्टार्ट कर दूं. अगर चलो वो हमारे से नहीं रहते रह सकते, बट प्लीज कम्युनिकेशन बना रहे हमारे आपस का. तो 5 साल बीत गए और हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था मेरे ब्रदर से. बहुत ही साल में सिर्फ एक बार बात होती थी कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ. फिर एक्सेप्टेंस लानी ही पड़ी माइंड में कि वी हैव नो अदर ऑप्शन कि हम उनको वहां से ला पाए, क्योंकि हमने पूरा ट्राई किया कि हमको वहां से वापस ला पड़े, बट हमने बहुत लोगों के केसेस सुने अगर आप उनको फोर्सफुली आओगे तो आप उनका बिल्कुल कम्युनिकेशन छोड़ दोगे. तो हमने ऐसा भगवान पे छोड़ दिया और जैसे हम पूजा पाठ करते थे वो कंटिन्यू रखा. और हमने उस टाइम पे ट्राई भी किया पंडित के पास आना ये सब जाना, बट एक टाइम पे ऐसा है कि अब हमने पूरी कोशिश कर ली, नाउ देयर इज अ स्टॉप कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम भगवान से प्रे करेंगे, बस उनकी हेल्प सीख रहे और हमारा कम्युनिकेशन बना रहे. फिर 2015 में जब मेरी कजन मेरे साथ गई, मैंने बहुत सुना गुरुजी का, मैंने कहा चलो हम दिल्ली में रहते हैं और इतने पास है हमारे गुरुजी तो हमें जाना चाहिए उधर. तो हम गए तो उस समय गुरुजी के जो बड़े मंदिर अंदर जाते हैं तो वो रोड नहीं बन रही थी, मतलब आई थिंक आप उसको रोडे बोलते हैं, वो उसमें थे. तो लोग इतनी डेडिकेशन से जा रहे हैं और मुझे उस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इतने भाग्यशाली कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं. वो चीज का रियलाइजेशन हुआ आफ्टर लाइक 4-5 ईयर्स. सो हम गए और हम कह रहे हैं अच्छा रोड बन रही है, सारे हमारे जूते खराब हो गए, सब खराब हो गए, फिर भी हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं कि मे बी शटल सेवा का हमें आइडिया नहीं था. हम चले आ रहे हैं अंदर और हमें दर्शन किए. बहुत ही ऐसा लगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गई थी 2012 में, वैसा मुझे फीलिंग अंदर जाके आई, एकदम से ना मन में शांति आई. मैं गुरुजी ओके तो सब कह रहे कि प्रसाद पूरा लेना, हम वो सारे रिचुअल्स जो थे हम बड़े मंदिर में फॉलो करते हैं वो सब फॉलो किए. उसके बाद हम बहुत ही अच्छा लगा, फिर हम वापस आ गए. फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट करे और मैं गुड़गांव में जॉब करती थी उस टाइम पे, तो साल में 1-2 बार जाना. फिर मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ. फिर करते करते 2018 आया, फिर गुरुजी मेरी शादी कराई, जो मेरे इन-लॉज है वो खन्ना से हैं. तो जैसे ही मैंने गुरुजी से मांगा कि मुझे हस्बैंड चाहिए जो नॉन वेज ना खाता हो अंडा ना खाता हो, तो गुरुजी ने बिल्कुल वैसे ही मेरे हस्बैंड से मुझे मिलवाया, आई मैरिज थी हमारी. और वो हमने कैनेडा शिफ्ट हुई, जो सारे पंडित कहते थे कि कभी बाहर नहीं आ सकती, गुरुजी ने बिल्कुल ऑपोजिट किया, इतनी सुंदर शादी कराई. और मेरे ब्रदर से मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया कि वो हमारी शादी में आए, सारी सेरेमनीज अटेंड करी,
आई नो उनका कोई कुछ 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 होगा उनका पिछले बर्थ का, उनको पूजा पाठ करनी होगी, बट एटलीस्ट हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, हम इससे भी बहुत खुश हैं। तो मैं शॉर्ट में कहूंगी, गुरुजी ने हमारे परिवार को कंटेंटमेंट दी कि क्योंकि मैंने रिलेट किया कि गुरुजी की भी एक सिस्टर है, तो शायद मैं भी अपने ब्रदर की एक सिस्टर हूँ, तो शायद क्योंकि आप अपनी इंसान पैसा कम पैसों में रह सकता है और प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बट एक होता है कि अपना शरीर का पार्ट देना भक्ति में, दैट्स मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दान है। तो मेरे ब्रदर अभी भी उसी पाथ में है पिछले 10 सालों से, बट गुरुजी ने मुझे एक चीज दी, एक्सेप्टेंस दी। सो कोई भी सिचुएशन आती है, पहले मैं बहुत नर्वस होती थी बट अब नहीं होती, तो शुक्राना गुरुजी। और मेरे से कुछ गलती हुई हो इस सत्संग को सुनाने में, तो मैं गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, एंड थैंक यू सो मच।